जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह और हर्ष का माहौल है। हर जगह लोग अपने अपने तरीके से उस दिन अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। उसी को लेकर भागलपुर की करें तो भागलपुर में भी राम भक्त जो है अलग अलग तरीके से उस दिन के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से रामलला के आगमन को पूरा उत्सवी माहौल में तब्दील कर दिया जाए। दो भक्त हैं कृष्ण और बलराम, जो 31,000 लड्डू का भोग लगाएंगे और उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में आम लोगों के बीच वितरित करेंगे। साथ ही 1,00,000 हनुमान चालीसा भी वो लोगों को उस दिन बांटेंगे, लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। आइए कृष्ण और बलराम क्या कुछ कह रहे हैं, कैसी तैयारी है, सीधे आपको सुनाते हैं। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। 14 साल बाद जब राम वापस आए थे वनवास भोग कर, तो आज तक दिवाली मनाई जा रही है पूरे देश में। तो सोचिए, ये 500 साल बाद रामलला वापस अयोध्या आ रहे हैं, तो दिवाली कैसी मनानी चाहिए। हर भक्तों को दिवाली जोर शोर से मनानी चाहिए और ऐसी दिवाली मनानी चाहिए ना जो कभी बनी है, ना भूते ना भविष्यते। और खूब जोरों से दिवाली मनाइए, हर जगह घर में दीपक जलाइए, भगवान लहराइए। और यहाँ 31,000 लड्डुओं का भोग लग रहा है, ये आदर जापान की तरफ से लग रहा है। जहाँ कल्याणपुर जाएगा डॉक्टर नीतीश दुबे और डॉक्टर मनीष दुबे के संरक्षक में लड्डुआ बैठेंगी 2,000 किलो। फिर मीनाल शेखर कल्याणपुर में आइए, अमरपुर में वहां बटेगा, यहाँ खली वैरायटी चौक में मंदिर में बटेगा, काली मंदिर सोना पट्टी बटेगा, और नीचे राम दरबार आधे जलपान की तरफ से बैठाया गया है, जिसमें वहां भी लड्डू का प्रसाद का वितरण होगा तिलक के साथ। आज हम लोग राम जी के मौसी के घर से हैं, हम लोग मौसेरे भाई लगते हैं उनके, इसीलिए हम लोग का तो उत्साह देखने लायक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो एको हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। इसीलिए हर जगह लड्डू बढ़िया से खूब दिवाली मनाइए और बढ़िया से मनाइए, ये हम लोग का उत्साह है और हम लोग इसके लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं। जय श्री राम। जलपान परिवार इतना उत्साहित है जिसका कोई वर्णन करना मुश्किल है। हम लोग श्री राम दरबार के लिए वितरण के लिए 21,000 लड्डू का व्यवस्था किए हैं, जो कि कई मंदिरों में विभिन्न जगहों पर जाके बतेगा। नीचे राम दरबार स्थापित किया गया है, जहाँ भी वो बतेगा रात में दीपोत्सव होगी। एक्चुअल में हम लोग इसलिए ज्यादा उत्साहित है क्योंकि हम लोग उनके मौसी में भाई लगते हैं, क्योंकि श्री राम जी के मौसी घर भागलपुर में है। राम जी के मौसी घर भी जो है लड्डू वितरण के लिए जा रहा है, अमरपुर जा रहा है, कल्याणपुर जा रहा है, सोनापति काली मंदिर जा रहा है, विभिन्न हनुमान जी के मंदिरों जा रहा है। माने लड्डूमय कर देना है भागलपुर को, लड्डूमय कर देना है, यही आरएस की तमन्ना है, यही भावना है। जय श्री राम। हाँ, बहुत खुशी है जो 500 वर्षों के बाद जो है श्री राम जी हमारे हम लोगों के बीच पधारे हुए हैं, तो हर्षोल्लास से पूरा पूर्ण रूप से एकदम खुशी से अगले दिवाली के से बढ़िया ये दिवाली हम लोग मनाए रहे। यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है? यहाँ पर जो है हम हमारे संस्था में से सब मिलजुल करके लड्डू बना रहे हैं उनकी खुशी में, और वितरण होगा मंदिरों में जा करके। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से लोगों में उत्साह है और कृष्ण और बलराम क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह की तैयारी है। साथ ही कह रहे हैं कि अगर 14 वर्ष के वनवास के बाद राम अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनी थी, और जब 500 वर्षों से अधिक के बाद समय के बाद राम जी आ रहे हैं अपने भवन में, तो उसमें किस तरह की दीपावली होगी, किस तरह से लोग दीप जलाएंगे, किस तरह से लोग हर्षोल्लास मनाएंगे, उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, TVN प्रदेश, भागलपुर।